हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाबेली और इसके लिए हम कोई भी दाबेली मसाला यूज नहीं करेंगे। ना तो हम मार्केट से कोई मसाला लेकर आए हैं और ना ही हम इसके लिए कोई स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। जो मसालदानी में हमारे मसाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज करके हम बनाएंगे खट्टी, मीठी और बहुत ही चटपटी हमारी दाबेली। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मजेदार। दाबेली बनाने के लिए ये हमने 7 आलू लिए हैं, थोड़े छोटे साइज के हैं, उबले हुए आलू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आलू जो हैं इनको हम छील लेंगे इस तरह से। आलू हमारे छिल गए हैं, अब इन आलू को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भी मैश हो गए हैं और इसमें से हम लगभग 1/4 आलू निकाल लेंगे और ग्राइंडर में डाल देंगे। और ये जो हमारे बचे हुए आलू हैं, इनको अभी हम साइड में रख देंगे। ग्राइंडर में ये 1/2 कप हम पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये ग्राइंड हो गया है आलू हमारा और इसको भी अभी हम साइड रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आगे की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए ये हमने कढ़ाई ली है और इसमें लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। गैस की जो फ्लेम है, यहाँ हमने वो लो कर ली है और इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे, हम अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे क्योंकि तेज फ्लेम पर भूनेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए हमें इनको लो फ्लेम पर ही भूनना है। और इसमें अब हम डालेंगे ये जो आलू हमने मैश करके रखे थे, ये आलू हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। गैस की जो फ्लेम है वो हमने मीडियम टू लो रखी है और ये जो हमने आलू को ग्राइंड करके लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और इसको अब हम मिक्स करेंगे। नमक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और 2 टेबल स्पून पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे 1/3 कप गुड़। गुड़ को ये मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है, आप कूट कर ये ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और इसको हम गुड़ के मेल्ट होने तक इसमें मिक्स करते रहेंगे। गैस की जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप उसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। जब तक गुड़ इसमें मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा हमने किस तरह से सिर्फ जो मसालदानी में हमारे मसाले हैं वही यूज किए हैं दाबेली के मिक्सचर को बनाने के लिए। तो हमें कोई भी मसाला बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें इसी से हमारी जो दाबेली है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत चटपटी बनेगी। आप यहाँ पर नमक और खटाई अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है और दाबेली की जो ये हमने मिक्सचर बनाया है, सब्जी बनाई है, ये भी हमारी थोड़ी थिक हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। तो यहाँ पर हम गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा दाबेली का मिक्सचर है, हमें उसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगी, तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम अपनी जो दाबेली है उसकी असेंबलिंग करेंगे। ये दाबेली का मिक्सचर ठंडा हो गया है और इसमें हम डाल देंगे
ये 1/3 कप हमने गाजर को कद्दूकस करके लिया है और ये 1/3 कप से थोड़ी सी ज्यादा प्याज काट कर ली है, इसको भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून कटी हुई हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक काट के लिए है हमने, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा मिक्स हो गया है और इसको अब हम खाली करेंगे अपने एक बॉल में। ये हमने इस बॉल में ले लिया है और इसको इस तरह से फैला दिया है। ये 1/3 कप मैंने अनार के दाने लिए हैं, वो इस तरह से इस पर हम फैला देंगे थोड़े थोड़े करके चारों तरफ। यहां पर हम अपना पूरा मटेरियल ऐसे ही बना लेंगे। देखिए आपने कभी ठेले वाले से अगर दाबेली खाई है तो उसका इसी तरह से पूरा मटेरियल तैयार रहता है और फटाफट फटाफट लगाकर देता रहता है। और अब हमने ली है ये मूंगफली के दाने, ग्राउंड नट्स भुनी हुई है, इनको भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा बहुत ही खट्टा, मीठा और बहुत ही चटपटा है। हमने 1 टीस्पून नॉर्मल वाली जो तीखी मिर्ची होती है वो डाली थी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कम तीखी होती है और कलर भी अच्छा आता है, हरी मिर्ची भी डाली है, तो ये हमारी बहुत ही स्पाइसी भी होने वाली है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो दाबेली का मिक्सचर है उसकी जो स्टफिंग है असेंबलिंग के लिए तैयार है। इसको अभी हम साइड रखते हैं और अपने पाव निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दाबेली का मिक्सचर रेडी है। हमने थोड़े अनार के दाने अलग से भी लिए हैं और ये हमने लिए हैं नायलॉन सेब और ये लिए हैं हमने पाव। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से और हल्का सा इसको इस तरह से दबा देंगे जिससे कि हम अपना जो ये मिक्सचर है ज्यादा से ज्यादा इसमें भर सकें। इसको हम इस तरह से इसमें भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा जो हमारे मूंगफली के दाने हैं, अनार है, सब इसके अंदर इक्वली डिवाइड होकर चला गया है। ये देखिए, इसको इस तरह से चारों तरफ से हम फिक्स कर देंगे। और अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा अनार के दाने लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से, ये देखिए, हम इसको इस तरह से चारों तरफ से इसमें ये नायलॉन सेव लगा देंगे। ये देखिए, इसको अभी हम अपनी सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम जो हमारी बाकी दाबेली हैं उनको भी असेंबल कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको हम भर लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा भी भर सकते हैं। मुझे इसमें अच्छी सी स्टफिंग अच्छी लगती है तो मैं इस तरह से खूब सारी इसमें फिलिंग कर लेती हूं। साइड में भी थोड़ा इस तरह से लगा देंगे जिससे कि ये टेम्पटिंग लगे हमारी, इस तरह से। और इसको वापस ये जो नायलॉन सेव है हम इसमें इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने सारे में नायलॉन सेव लगा दिए और ये हमारी दूसरी दाबेली भी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी बाकी दाबेली भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाबेली बनकर बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल हमने इसके लिए यूज किया है और कोई भी रेडीमेड मसाला हमने दाबेली का इसमें नहीं यूज किया और ना ही अलग से कोई स्पेशल दाबेली मसाला तैयार किया है, और फिर भी ये हमारी दाबेली बहुत ही यमी बनी है और फटाफट बनकर तैयार भी हो गई। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दाबेली आपको कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।